हेलो दोस्तों, आज मैं मसाला मेन्यू बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने एक टमाटर लिया है, दो प्याज बारीक कट किए हैं, और ये मटर लिए, दो हरी मिर्च लिए, ये मिर्च, नमक और हल्दी लिए, और ये मैंने दो मैगी लिए, और ये चीज़ है जो कसी भी है, और ये पनीर है जो सेका हुआ है, हल्के से सेका हुआ है। तीन कढ़ाई में मैंने ये बटर गरम कर लिया है। अब ये मैं प्याज भून रही हूँ, जिनको हल्के ब्राउन होने तक भून लूंगी मैं। तीन ये हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है, ये टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए, और ये मटर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इनको हल्के से भून लूंगी मैं फिर से। ये एक चम्मच मैंने छोटी चम्मच मिर्च की ली है, थोड़ा सा नमक और हल्दी ली है, ये इसमें ऐड कर दूंगी मैं। तीन ये मेरा मसाला पक के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर दो गिलास पानी ऐड कर दूंगी। ये इसको उबाल आने तक रख देंगे। पानी को उबाल आने के लिए मैंने रख दिया है, जो उबाल आ जाएगा तो इसमें मैगी डाल दूंगी मैं। ये मैंने दो मैगी पाउच खोल के प्लेट में रख लिए, अब इनको ये पानी मेरा उबल चुका है, अब इसमें ये डाल देती हूँ। ये मैगी मसाला लिया है मैंने, पहले पकने के लिए रख दिया है। ये देखो अच्छे से पक रही है। ये मैगी मसाला मैंने ऐड कर दिया है इसमें। ये मैंने थोड़ी चीज ली है जिनको मैंने कद्दूकस किया है, और ये पनीर के टुकड़े हैं जिसे मैंने बटर में सेक लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, और चीज को भी ऐड कर देती हूँ। ढक्कन लगाकर मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ मैगी को। ये गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है, ये 5 मिनट में मैगी पककर तैयार हो जाएगी। सजा तो सही तो ये मेरी मैगी बनकर तैयार हो गई है। ये मेरी मैगी बनकर तैयार है, आप इसको सर्व कर सकते हैं, और ये टेस्ट बहुत ही टेस्टी बनी है। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।